फेसबुक पर 2 दिन पहले एक बहुत सरल और मधुर गज़ल मुझे पढ़ने को मिली और इसकी तर्ज बनाने की मैंने यहाँ कोशिश की है। शायर का नाम लिखा था सईद राही। मैंने इनकी गज़लें इसके पहले कभी सुनी नहीं थी, लेकिन अब आगे जाके मैं इनकी और भी गज़लें पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो लीजिए, इस प्रस्तुत गज़ल के लिए मेरी ये तर्ज। सारे हकीकत है कि होता है असर बातों में, ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। तुम भी खुल जाओगे दो चार मुलाकातों में, ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। तुम भी खुल जाओगे दो चार मुलाकातों में, ये हकीकत है कि होता है असर बातों में, ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। तुमसे सदियों की वफाओं का कोई नाता था, तुमसे सदियों की वफाओं का कोई नाता था, तुमसे मिलने की लकीरें थी मेरे हाथों में, तुमसे मिलने की लकीरें थी मेरे हाथों में, ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। तुम भी खुल जाओगे दो चार मुलाकातों में, ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। तेरे वादे ने हमें घर से निकलने न दिया, तेरे वादे ने हमें घर से निकलने न दिया, लोग मौसम का मजा ले गए बरसातों में, लोग मौसम का मजा ले गए बरसातों में, ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। तुम भी खुल जाओगे दो चार मुलाकातों में, तुम भी खुल जाओगे दो चार मुलाकातों में, ये हकीकत है कि होता है असर बातों में।
अब न सूरज न सितारा है, न शमा है न है चांद। अब न सूरज न सितारा है, न शमा है न है चांद। अपने जख्मों का उजाला है घनी रातों में, अपने जख्मों का उजाला है घनी रातों में। ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। तुम भी खुल जाओगे दो चार मुलाकातों में। ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। इसमें ये जो नंबर दो का शेर है, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। ऑप्टिमिज्म जिसको कहते हैं, वो शायर का इसमें या प्रेमी का इसमें दिख जाता है। तो एक बार इसको फिर से सुन लेते हैं। तुमसे सदियों की वफाओं का कोई नाता था, तुमसे सदियों की वफाओं का कोई नाता था। तुमसे मिलने की लकीरें थी मेरे हाथों में, तुमसे मिलने की लकीरें थी मेरे हाथों में। ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। तुम भी खुल जाओगे दो चार मुलाकातों में। ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। थैंक यू।